वहीं एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में धनबाद के विधायक राज सिन्हा, बीजेपी के सांसद जनप्रतिनिधि एवं नगर महामंत्री सूर्यवंश श्रीवास्तव के कार्यालय पर प्रेस वार्ता करते हुए इसमें मुख्य रूप से उपस्थित बीजेपी के सांसद प्रतिनिधि मनोज जायसवाल एवं ग्रामीण सांसद जनप्रतिनिधि मनोज सिन्हा, अरिजीत सिंह, शिवनंदन मिश्रा, छोटू श्रीवास्तव मुख्य रूप से उपस्थित हुए। अनेकों कार्यकर्ताओं के साथ राज सिन्हा का कहना है कि इस बार रामगढ़ के उपचुनाव में जनता के बीच आक्रोश देखने को मिल रहा है कि भारी मतों से सुनीता देवी को विजय बनाकर झारखंड के विधानसभा तक पहुंचाने का काम करेगी। रामगढ़ की जनता 3 सालों में त्रस्त हो चुकी है और अपने आप में ठगा महसूस कर रही है। यह जेएमएम महागठबंधन की सरकार रामगढ़ के सारे विकास को खत्म कर चुकी है। ऐसी सरकार को एक तरफ रामगढ़ में उपचुनाव के दौरान ममता देवी के बच्चे पर तरस खा रहा है और एक तरफ दूसरी तरफ अस्तर आइए के चोरी, मर्डर, लूट, खसोट, गोली चलना, रेप जैसी घटनाएं को अंजाम दिया जा रहा है। इन 3 सालों के अंदर और बोलते हमने किसी विकास किया, जिन आदिवासियों के लिए इतिहास दर्दी दिखाते हैं, वहीं आदिवासी महिलाओं को कितना न्याय दिलाने में सक्षम है सरकार, वह आपके सामने है। इनके 3 साल के कार्यकाल में कितनी आदिवासी महिला पर गैंग रेप रेड हुआ है और एक भी माता बहनों को कोई सुरक्षा नहीं मिला। धनबाद विधायक से सवाल पूछे जाने पर कि आप पूरे झारखंड में 4 उपचुनाव हार गए, ऐसा क्या हुआ जो संगठन इतना कमजोर पड़ गया है? शराब का वही हाल है। तो हर मायने में यह सरकार केवल लूट कर अपना पेट भरना चाहती है, इसी दिशा में सरकार प्रयत्न कर रही है। इसके अलावा इस सरकार को लोग अपने आप को ठगे महसूस कर रहे हैं। अभी मैंने सुना कि कोई बता रहे थे कि मुख्यमंत्री जी भाषण दे रहे हैं कि मास्क के बोझ से बच्चा छीन लिया और उसका आह लगेगा। अरे क्या न्यायालय ने उनको सजा दिया है? न्यायालय ने सजा दिया है, कोई आंसू या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उन्हें जेल में थोड़ी ना भेज दिया है? तो आप न्यायालय के जज को बोलिए ना, और माँ के दूध से बच्चे को किसने अलग किया है? वो तो आप अपनी ओछी राजनीति के तहत एक माँ से एक बच्चे को माँ के दूध का अधिकार आप छीन रहे हैं। माँ के पास रखने की जगह वो बच्चा को लेकर के गोद में और राजनीतिक फायदा उठाना आप चाह रहे हैं, तो यह तो जनता सब समझ रही है ना। और दूसरी तरफ आप परसों रांची में बच्चों को पिटवाए साहब, बच्चे अस्पताल में भर्ती हो गए, ये कौन सा बालक प्रेम दिखा रहे हैं आप? तो इसलिए इस बार की जनता इनके नाटक को, इनके भ्रष्टाचार को, इनके कुशासन को समझ गई है और रामगढ़ की जनता स्पष्ट रूप से इस सरकार के विरोध में संदेश देने जा रही है।